दोस्तों, विप्लव व्लॉग एंड इलेक्ट्रिकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं कि LNT MK1 स्टार्टर का कनेक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आता है और इसके अंदर एक ये इस टाइप का एक कॉन्टैक्टर होता है, ये MK1 टाइप है, और इस टाइप का एक ओवरलोड रिले होता है। ये ओवरलोड रिले में जो रेंज होता है वो ये वाला होता है रेंज ओवरलोड रिले में। ये वाला ओवरलोड रिले का रेंज हम लोग किस में ट्रिप कराएंगे, इसमें रेंज होता है। और जो हम लोगों का कॉन्टैक्टर आता है वो इस टाइप का कॉन्टैक्टर आता है। तो दोस्तों, इस कॉन्टैक्टर में जो ऑपरेट करने वाले हैं उसमें हम लोगों को स्टार्ट और स्टॉप अलग से पुश बटन यूज़ नहीं करना पड़ता है। जो ये वाला हो गया, सफ़ेद वाला जो स्विच है वो स्टार्ट हो गया और ये वाला स्टॉप हो गया, मतलब इस स्टार्टर से ही हम लोग मोटर को चालू और बंद करेंगे, उसी से हम लोग कॉन्टैक्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। और ये वाला जो टर्मिनल है ये एनोड टर्मिनल है और ये वाला जो दो टर्मिनल है वो NC टर्मिनल है, मतलब कि कुल मिला के सब कुछ इसी में मिल जाता है, अलग से कुछ बैठाना नहीं पड़ता। इस दो दो सिर्फ दो चीज़ इस स्टार्टर में मिलता है। तब दोस्तों, इसका जो कॉन्टैक्टर है उसका कॉन्टैक्टर का कॉयल का रेंज 240 वोल्ट भी आता है और 440 वोल्ट भी आता है। तो एक बार हम लोग इसको कनेक्शन कर देते हैं। तो कनेक्शन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कॉन्टैक्टर का ये दो टर्मिनल है ये एनो टर्मिनल है, मतलब जो जब इनपुट जब इसमें पावर आएगा तो ये नॉर्मल क्लोज हो जाएगा, इसमें करंट नहीं फ्लो होगा। ये आउटपुट टर्मिनल है और ये A1 टर्मिनल है और इधर वाला कॉयल का A2 टर्मिनल है, मतलब इसमें फेज और न्यूट्रल सप्लाई देना है अगर आपका कॉन्टैक्टर 220 वोल्ट का होगा। तो 220 भी आता है, 415 भी आता है, दोनों कनेक्शन करके बताएंगे। तो चलिए हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो हम लोग का कॉन्टैक्टर है उसको ओवरलोड रिले के ऊपर बैठाना पड़ेगा, कॉन्टैक्टर को ओवरलोड रिले में जोड़ना पड़ेगा, कुछ इस तरह से जोड़ेंगे। अब इसमें एक मोटर को कनेक्शन करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पावर वायरिंग करेंगे। तो पावर वायरिंग करने से पहले हम लोग को एक MCB चाहिए जिसमें 3 फेज सप्लाई होना चाहिए और एक न्यूट्रल, क्योंकि ये 220 वोल्ट का होगा। तो पहले हम लोग इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे MCB को और इनपुट पावर सप्लाई से होते हुए हम लोग आउटपुट से लाएंगे ओवरलोड रिले के ऊपर जो 3 टर्मिनल है हम लोगों का पावर के लिए, उसमें हम लोग 3 फेज सप्लाई ला के कनेक्ट कर देंगे। ये वाला जो हम लोगों का टर्मिनल दिख रहा है 3, उसमें हम लोग पावर कंट्रोल का कनेक्ट कर देंगे। ये रेड हो गया, येलो हो गया और ब्लू हो गया। अब करना क्या है दोस्तों, हम लोग इस्तेमाल करें फेज के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे रेड फेज को। तो रेड फेज को हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोगों का जो मोटर का टर्मिनल है वो भी हम लोग क्या करेंगे, जो ओवरलोड रिले का आउटपुट टर्मिनल में उसमें कनेक्ट कर देंगे। तो ये मेरा पावर वायरिंग हो गया, ये स्टार्टर का पावर वायरिंग हो गया। अब इसको देना है होल्डिंग सिस्टम, कॉन्टैक्टर को होल्ड करना है, स्टार्ट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये वाला रेड फेज इस्तेमाल करके एनो कॉन्टैक्ट में लाएंगे, एनो कॉन्टैक्ट में ला के कनेक्ट कर देंगे। और एनो कॉन्टैक्ट का जो आउटपुट टर्मिनल है उसमें एक तार जोड़ के लूप करके जो ओवरलोड रिले का NC टर्मिनल है उसमें जोड़ देंगे। और NC टर्मिनल को जो मतलब क्या हो गया, इधर से पावर आके ये वाला क्लोज हो जाएगा तो इधर पावर आ जाएगा, इधर पावर आ जाए NC में जब पावर आएगा तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन होते हुए हम लोग को कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल में पावर आ जाएगा। अब इसका न्यूट्रल पावर भी देना है। तो न्यूट्रल पावर क्या करेंगे, MCB के आउटपुट टर्मिनल से एक न्यूट्रल का तार ला के A2 टर्मिनल में जोड़ देंगे। ये हो गया हम लोगों का
स्टार्टर का कनेक्शन। अब इसको जब हम लोग ऑन करेंगे तो मोटर घूमना चालू हो जाएगा, लेकिन एक कंडीशन है, अगर हम लोग छोड़ देंगे तो मोटर बंद हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, होल्डिंग सर्किट बनाना है। तो होल्डिंग सर्किट बनाएंगे कैसे, कि जो एनो का जो आउटपुट टर्मिनल है उसमें लाके जो ओवरलोड रिले का जो एनो टर्मिनल है उसमें जोड़ देंगे, कॉन्टैक्टर का जो एनो टर्मिनल है उसमें जोड़ देंगे। ओवरलोड रिले के एनो आउटपुट टर्मिनल से ओवरलोड रिले का कॉन्टैक्टर का एनो में जोड़ देंगे, तो ये हम लोगों का होल्डिंग सर्किट हो गया 220 वोल्ट का। अब अगर हम लोग 415 वोल्ट यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, न्यूट्रल को हम लोग आउट कर देंगे और रेड फेज जो पहले हम लोग इस्तेमाल किए हैं तो बचा येलो और ब्लू, तो हम लोग ब्लू फेज का इस्तेमाल करके हम लोग कॉन्टैक्टर के ए टू टर्मिनल में कनेक्शन कर देंगे। तो इसमें हो गया हम लोग का 415 वोल्ट इसमें आ जाएगा, तो कॉन्टैक्टर हम लोगों का कनेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों अगर ये वाला हम लोग अलग से एनो और स्टार्ट और स्टॉप करेंगे तो भी वीडियो हम वो वाला छोड़ देंगे, इसको अलग से भी कनेक्शन किया जाता है वो वाला वीडियो हम अलग से बना देंगे। तो दोस्तों चलते हैं।